आप जवाब दो सारे, अगर कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुझ पर करो करो दिया करो परान शरीफ के बैग जोर हाथों पबा बेहद शुक्रिया हिंदुस्तान कहाँ पहुंच गया, हमारा मुल्क कहाँ पहुंच गया, और हमारा मुल्क आज वहाँ पे है जहाँ -3 में चला गया है। हमारी जम्मू कश्मीर वो स्टेट है जिसकी स्टेट की पहचान चली गई है, Article 370 चला गया है, डोमेस्टिक बना गया है। आप बताइए ना कितने लोगों की डोमेस्टिक सर्टिफिकेट बन गया, उसमें बाहर के लोग कितने हैं, और हमारे यूथ जो अनएम्प्लॉयड है वो कितने दरबदर हो गए हैं। हमने हर मुमकिन कोशिश की और हम मुमकिन कोशिश करेंगे। हम वोट में भी गए हैं, वोट का इंतजार भी कर रहे हैं, जो उन्होंने कोर्ट में हमारे अर्जी दाखिल की उसका इंतजार भी है, लेकिन उसके मुतलिक भी हमारा जो हाई कमांड है, चाहे सोनिया जी है, राहुल जी है, हमारा गुलाम नबी आजाद साहब है, मीर साहब है, तो हम बराबर उनके शान बशान काम कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे परसों ने किसानों के मुतलिक भी जो बिल पास किया हम उसके मुखालिफ भी है। जिससे हम लोग सुसाइड कर रहे हैं और क्या मिल रहा है बीजेपी हुकूमत में, आप मुझे बताइए कौन सी गवर्नमेंट, उन्होंने कौन सी हमें डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, नहीं इंडिया की बात कर रहे हैं। आप देखिए डेली वेजर दरबदर फिर रहे हैं, उनको 3 साल से 2 साल से तनख्वाह नहीं है। आप मुझे बता दीजिए जो भी हमें कंट्रैक्टर के पास पैसा नहीं है, जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनके पास तनख्वाह नहीं है, तो क्या बेकारी में सबको बेकार बना रहे हैं, और यहाँ के यूथ्स को बहुत धोखा दे रहे हैं कि हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे। कौन सी एम्प्लॉयमेंट देंगे? COVID-19 में आप बताइए हमारी कश्मीर में वेंटिलेटर्स नहीं है, ये हमारे लिए बदकिस्मती की बात है। हमारी मौतें क्यों हो रही है? वो तो बहुत उनका कम्युनलिज्म है, कहाँ पे है उनकी वेंटिलेटर? हमें दिखाइए कौन सा काम कर रहे हैं। मैं देखना चाहती हूँ हमारे लोगों की, हमारी जो स्टेट के लोग हैं इनको राहत मिल जाए, यही एक वजह है कि मैं वहाँ से निकल के अपने घर वापस आई। तो क्या बीजेपी में आप काम नहीं कर सकते? नहीं, मैं नहीं, कुछ काम हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहे। मुझे लगता है कांग्रेस सबसे अव्वल पार्टी है जिन्होंने लोगों का सोचा है, जो सबसे पहले लोगों का काम करती थी। हमारे कांग्रेस पार्टी ने कभी लीडरशिप नहीं देखी है, दोष बदोष अपने लोगों की। वो मेरी एक, मैंने कहा मुझे अपने लोगों से थोड़ी नाराजगी थी, नाराज हो गए फिर मनाने आते हैं ना, अपने माँ बाप जिस तरह मनाने आता है, इस तरह मेरे लीडरशिप भी अच्छी क्वालिटीज के लोग, ये नहीं अपने बच्चे को बाहर ज्यादा देर तक रखना चाहते हैं। क्यों, मैं खुद आई हूँ बीजेपी क्यों छोड़ी? मैम मैंने कहा ना लोगों की भलाई के लिए, बस मेरे लोगों का। अगर वो भी आएंगे कल मनाने के लिए, क्या वापस पे ज्वाइन? नहीं, वो बात ही नहीं है। मैं 16 ईयर से कांग्रेस पार्टी में काम करती आ रही हूँ, 1 साल और 16।